तो गाइस फाइनली रिया रिपली वर्सेस ली मॉर्गन इनके बीच जो मैच होना था वो कम्प्लीटली हो चुका। आखिर क्या इंटरेस्टिंग मैच था आखिरकार, जहां डोमिनिक मिस्ट्रो केज में बंद होकर काफी फड़फड़ा रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्या गजब का फाइट हो रहा होता है। तो शो की शुरुआत होती है यहाँ पर ली मॉर्गन और यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रो दोनों एक साथ यहाँ पर कार से एंट्रेंस होता है इनका। वैसे दोनों काफी पहले ही आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर वेट करते हैं रिया रिपली का, उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस होता है रिया रिपली का। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर रिया रिपली रिंग में आ जाते हैं सीधा और उसके बाद डोमिनिक मिस्ट्रो जाते हैं केज में बंद होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर केज बंद होकर यहाँ पर सीधा ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं डोमिनिक मिस्ट्रो यहाँ पर हवा में लटके हुए हैं और तब यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में रिया रिपली काफी यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं ली मॉर्गन के ऊपर। उसके बाद गाइस यहाँ पर ली मॉर्गन एक मौका पाकर काफी अटैक कर रहे थे उनके पैर के ऊपर ही रिया रिपली के, और शायद यहाँ पर ली मॉर्गन का ये इंटेंशन था कि वो रिया रिपली को काफी पूरी तरह से इंजर्ड कर दे। लेकिन गाइस ये मोमेंट कुछ ही समय के लिए देखने को मिलता है जहाँ ली मॉर्गन अटैक कर रहे होते हैं रिया रिपली के ऊपर और तभी वही डोमिनिक मिस्ट्रो केज में बंद हुए अचानक से यहाँ पर केज को खोल देते हैं और यहाँ पर कूदने की कोशिश करते हैं केज के ऊपर से। जब यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रो केज से लटक जाते हैं तभी यहाँ रिया रिपली स्टिक लाकर उनको पीट रही होती है और तभी वहीं पर शानदार रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर रॉकेल का। तो गाइस यहाँ पर रॉकेल आने के बाद सीधा यहाँ पर रिया रिपली के ऊपर अटैक कर देते हैं और ली मॉर्गन को एक बार फिर से सेव। गाइस कुछ समय पहले यहाँ पर ली मॉर्गन और रॉकेल यहाँ पर WWE टैग टीम चैंपियन हुआ करती थी और उसी समय यहाँ पर रॉकेल को यहाँ पर इंजरी हो जाता है जिसकी वजह से वो WWE से कुछ समय के लिए ऑफ हो जाती है और उसके बाद से आज यहाँ पर फाइनली उनका रिटर्न देखने को मिलता है।